हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हो, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ क्लास सेवेंथ का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स पर बेस्ड मैथमेटिक्स, जिसका नाम है इंटीजर्स। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ओके, और इसमें मैंने कुछ स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस यहाँ पर लिखा है, ताकि मुझे टेक्स्ट बुक लेकर के रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं, फिर उसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है, ज़्यादा ही कुछ टाइम लग जाता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने सारे क्वेश्चन लिख दिए, जितना हो सका बोर्ड पर, जितना कैपेबिलिटी हो सकता है उतने सारे क्वेश्चन लिखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिएगा और साइड बाय साइड हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखने जाओ तो बहुत ईजी है, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा कुछ डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगा नहीं। देखिए, अगर आप इसको देखोगे, 30 डिवाइडेड बाई 10 ऑब्वियसली कितना होता है, 3 होता है, और एक माइनस साइन है तो ये डाल दो। 50 डिवाइडेड बाई -5, पहली बात तो प्लस माइनस जो भी है उसको इग्नोर करो, साइड करो, और जो भी मतलब स्टार्टिंग में है उसको देख लो। जैसे कि 50 डिवाइडेड बाई 5, 5 10 50, 10 में जाता है, आप डिवाइड भी कर सकते हो ऐसा। ओके, आप जो लोग वीक स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको कह रहा हूँ, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें समझ में नहीं आता कैसे डिवाइड करते, मैं टेबल बोल के, छोटा नंबर जो होता है, इन दोनों में से छोटा नंबर है वो टेबल बोलना पड़ता है, और देखना पड़ता है कि वो किस में जाता है। जैसे कि 5 10 50, बराबर, तो आप डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर माइनस साइन है, बराबर, तो आप माइनस साइन डाल दो, क्योंकि इधर अभी देखो, यहाँ 9 1 9 2 3 9 2 3 9 4 36 9 4 36, अभी देखो माइनस साइन माइनस क्या होता है, प्लस, डालो या ना डालो दैट्स अप टू यू, प्लस या माइनस जो भी है। अभी देखो 41 49 किस में जाता है, 1 में जाता है, बराबर, और माइनस साइन 1 की है तो आप डाल दो। इसके बाद ये वाला सम देखो, इसको तो पूरा आपको फैला के करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पर 13 डिवाइड, अभी देखो इसको 13 को एज इट इज़ लिखो, डिवाइड डिवीजन साइन भी एज इट इज़ लिखो, इसमें से जो है उसको आप कैलकुलेट करने की कोशिश करो। -2 + 1 ऑब्वियसली -1 ही होगा, क्योंकि देखो प्लस एंड माइनस, माइनस 2 - 1 1, और दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 2, उसके आगे नेगेटिव साइन। अभी देखो 1 13 13 और नेगेटिव साइन डाल दो बस। अब इसमें देखो 0 12 0 0, ठीक है, तो आप 0 लिख दो। ओके, साइन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बेझिझक कैसे देखो, अगर आप 12 तो ऐसा ये मतलब हो जाता है, मतलब आप डिवाइड करके आप लोग भी देख सकते हो। या तो एक मिनट 12 क्या कर सकते हैं हम लोग, 12 0 वेट अ सेकेंड, नहीं 0 ही आ जाता है, तो इसका आप साइन डालो ना डालो वो आपके ऊपर। अभी यहाँ पर देखो, मैं यहाँ नीचे बैठ जाता हूँ स्टूडेंट्स, आई एम सॉरी। देखो -31 मैं इधर लिख देता हूँ डिवीजन, इसको हम सॉल्व करेंगे। -m + -m - +, 31, और इन दोनों में से बड़ा नंबर का साइन कौन सा, 30। देखो दोनों तरफ माइनस का साइन आ गया, आंसर क्या 1 में जाएगा, और माइनस है माइनस प्लस है, डालना है तो डालो नहीं तो चलेगा, प्लस में कोई ऐसा जोर ज़बरदस्ती नहीं है। इधर देखो, यहाँ पर भी आप देखो 12 1 12 12 2 24 12 3 36, और बड़े नंबर का साइन डिवाइडेड बाय 3, आंसर क्या है 1 में जाएगा, और इधर -1, ठीक है। ओके, देखो इसमें 12 3 36 और ये माइनस साइन, और डिवाइडेड बाई 3, 3 1 3, माइनस साइन डाल दो। ओ सॉरी, अभी इसमें भी देखो, अगर आपको दिख रहा हो माइनस एंड प्लस माइनस, ओके, फिर 6 - 5 1, -1, क्योंकि 6 के आगे बड़ा नंबर है उसके आगे नेगेटिव साइन है, डिवाइडेड बाई प्लस माइनस एंड प्लस माइनस, 2 - 1 अगेन 1, और इधर बड़ा नंबर का साइन आएगा। तो अभी देखो 1 1 1, और माइनस है माइनस प्लस। ओके, इतना इजी था ये, और आप लोगों का आई गेस कुछ डिफ़िकल्टी हुई नहीं होगी करते हुए। आप चाहे तो पॉज करो, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 ये देखिए यहाँ पर वेरीफाई, अच्छा मैं ये रब कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ओके, तो आपने पॉज करके देख ही लिया होगा। फिर इसके लिए थोड़ा सा जगह की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। अभी देखो आपको वेरीफाई क्या करना है, a डिवाइडेड बाय b + c,
इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी प्लस ए डिवाइडेड बाय सी। अब ये सब पूरा लिखना है। और अब फर्स्ट इस पहले इसमें देख लीजिए, ए क्या है 12, बी क्या है नेगेटिव 4 और सी क्या है 2। अभी जो भी है सिक्वेंसली डालिए। देखो ये ऐसा ए की जगह 12 डिवाइडेड बाय बी की जगह नेगेटिव 4 प्लस सी इज नॉट इक्वल टू डिवाइडेड बाय नेगेटिव 4 प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एम प्लस माइनस 4 माइनस 2 2 माइनस साइन नॉट इक्वल टू। देखो 4 3 जा 12 और ये माइनस साइन आएगा प्लस 6 2 जा 12। अभी इसको देखो, इसको देखो 6 2 जा 12 माइनस साइन आएगा इज नॉट इक्वल टू प्लस एन माइनस एम प्लस माइनस 6 माइनस 3 कितना होता है 3 होता है और इसमें दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है इसके आगे पॉजिटिव साइन, तो ये ऑब्वियसली इक्वल नहीं हुआ। मुझे पता है आप लोग नहीं समझेंगे, कुछ आप में से कई स्टूडेंट्स आराम आराम से समझें। आप लोग भी थोड़ा ट्राई कीजिए, पीछे लीजिए वीडियो को, रिवाइंड कीजिए जो मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि यूट्यूब वीडियो पर टेंशन की बात तो है नहीं आप लोगों को। तो आप लोग आराम से इस सम को आप भी साइड बाय साइड करने की कोशिश करो, जब आप लोग करोगे तो आप लोग डेफिनेटली समझ भी जाओगे। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। इसमें लिखा है, अच्छा मैं ये वही कॉपी कर देता हूँ, ए इज़ माइनस 10 बी इज इतना। अभी देखो ए क्या है नेगेटिव 10 डिवाइडेड बाय जो भी है मैं लेटर के हिसाब से डाले जा रहा हूँ, ओके तो इसमें भी आप देख सकते हो 10 ही जाता है, ओके और इसमें नेगेटिव साइन प्लस इसमें भी नेगेटिव साइन हो जाएगा, यस प्लस एंड माइनस 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 एंड माइनस प्लस, यहाँ पर 20 आ रहा है और बड़ा नंबर का साइन आ रहा है इज़ नॉट इक्वल टू 5 में जाएगा 5 और इधर बड़ा साइन, ओके तो ये भी इक्वल नहीं हो रहा। तो आप चाहे तो इसे पॉज कर लो, नहीं तो मैं ये भी कंटिन्यू कर लेता हूँ, फिर वीडियो को हम आगे बढ़ा देते हैं पूरा रब करके क्वेश्चन नंबर 4 वगैरह। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। 369 1 डिवाइडेड बाय 1 इज 369, बड़ा इजी था। नेगेटिव 75 इधर भी नेगेटिव है तो यहाँ पर भी मैं 1 जा डाल दूँगा, ओके नहीं 1 जा नहीं डालेंगे हम, काम करेंगे 75 लिख देंगे, ओके देखो ना नेगेटिव 75 डिवाइडेड बाय 75 इज नेगेटिव 1, 75 वन जो 75 और नेगेटिव साइन का बड़े नंबर के आगे नहीं, मतलब जो नंबर है इधर नेगेटिव वो डालना है। माइनस 206 ये भी, हाँ इसमें आपको माइनस 206 डालना पड़ेगा, बताता हूँ क्यों, क्योंकि 206 डिवाइडेड बाय 206 इज 1 और माइनस है माइनस प्लस, प्लस इनविजिबल भी होता है तो ऑब्वियसली माइनस 206 इज द आंसर। अभी किसने अंडरलाइन, ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ पर भी 87 वन जा, लेकिन अभी यहाँ पॉजिटिव में है तो मैं यहाँ पर भी एक नेगेटिव साइन डालूँगा तो माइनस में माइनस प्लस। अब यहाँ देखिए डैश डिवाइडेड बाय 1 इज 87, ओके तो हम क्या कर सकते हैं 87 डिवाइडेड बाय 1 जा माइनस 87 डिवाइडेड बाय 1 जा। अब यहाँ पर भी माइनस 48, ठीक है 48 डिवाइडेड बाय 48 इज़ 1 और माइनस साइन मैंने डाल दिया। अब यहाँ भी देखो 10 डिवाइडेड बाय 2 देखा सर 10 20 डाल लो 10 2 जा, ओके तो यहाँ पर मैं डालूँगा माइनस 10, ओके माइनस 10 डाल दूँगा इधर। फिर उसके बाद इधर देखो, इधर थोड़ा सा ट्विस्टेड है, 4 3 जा मल्टीप्लाई भी देते को 10 2 जा 20 48 1 जा 48 187 1 जा 87 87 1 जा अगेन इधर 206 1 जा, ऐसे आप कर सकते हो। 4 3 जा कितना होता है 12 होगा, लेकिन यहाँ माइनस साइन है यहाँ पर, नहीं तो हम यहाँ पर माइनस साइन डालेंगे, ओके माइनस 12 डिवाइडेड बाय 4 जा इज़ नेगेटिव 3।
ओके तो इस सब को पॉज करके देख लो, उसके बाद हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सो अभी हम आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑन द बोर्ड, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टैब में उसका पीडीएफ फॉर्मेट ले करके, ऐसा मतलब पीडीएफ जो आप लोगों को वेबसाइट पे मिल सकते हैं एनसीईआरटी के, तो वहाँ से मैंने पीडीएफ निकाला है क्वेश्चंस के लिए, तो वो अच्छा रहेगा। ओके तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कम्प्लीट किया है, हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपका टेक्स्ट बुक हो तो आप देख लीजिएगा पेज नंबर 26 में, यहाँ पर लिखा है कि राइट 5 pairs ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट ए डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू -3, वन सच पेयर इज 6, -2 बिकॉज 6 / -2 इज -3। मतलब ये लोग ऐसे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें ए और बी जो है एक दो ऐसे वैल्यूज देने जिसको डिवाइड करने पर हमें आंसर -3 मिले। ओके तो कुछ ऐसे ही बताने की कोशिश की है, तो आप लोग अपने खुद का भी एग्जांपल बना सकते हो, मैंने भी यहाँ पर कुछ अपनी तरफ से एग्जांपल बनाया। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें कोई 5 लिखने बोला है, ओके एनी 5 ऑफ देम, तो ऐसा आपको करना है कि वो आंसर 3 आ जाए। ओके जैसे कि एक मैंने लिया है -5 और 15, ठीक है, अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो आंसर तो वही आ रहा है 5 3 15 और नेगेटिव साइन। ओके फिर सेकेंड वाला देखिए, मैंने ये भी लिखा है 3 और -9, ठीक है, अगर आप 3 3 9 लिखोगे और एक नेगेटिव साइन डालोगे तो वही द आंसर इज सेम। क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी मतलब उसमें थर्ड में मैंने क्या लिया, कौन सा लिया, 4 और 12, -12, ठीक है, 4 और -12, तो इसमें भी -3 आ रहा है, 3 4 12, 4 3 12 हम कह सकते हैं, और नेगेटिव साइन। उसके बाद फोर्थ वाला -24, 8, ठीक है, 8 3 24 और नेगेटिव साइन ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्यों बोला, क्वेश्चन नंबर 4 में जो फिफ्थ वाला है वो देखते हैं, -21, 7, 7 3 और ये नेगेटिव साइन। तो आप देख सकते हो ऐसे आप लोग भी अपने खुद से बना सकते हो, मैंने भी अपना खुद से बनाने की कोशिश की, इसके लिए पेपर पर लिखा ताकि आप लोगों को मैं ईजिली पढ़ा सकूँ। सिंपल ट्रिक है, इन दोनों में से जो देखो 5 3 15, तो 5 और 15 लिया मैंने, 3 3 9, तो 9 और -9 और 3 लिया, दोनों में से कोई भी नंबर में आप नेगेटिव साइन डाल सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट इसको इस तरह से आप लिखोगे बहुत ही ईजी है, ये वाला इतना डिफिकल्ट था नहीं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए द टेम्परेचर एट 12 noon वॉज, ओके मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूँ, ओके द टेम्परेचर एट 12 noon मतलब 12 बजे के दोपहर को 10 डिग्री था अबव ज़ीरो। ओके अबव ज़ीरो मतलब 10 डिग्री अबव ज़ीरो, मतलब बहुत ही पॉजिटिव, मतलब ये था नेगेटिव में नहीं था, -10 होता तो बर्फ़ गिरा होता, लेकिन दोपहर के टाइम पे थोड़ी धूप थी उस जगह पे, पर्टिकुलर जगह पे, तो उसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। उसके बाद लिखा है इफ़ इट डिक्रीजेज, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब लेस होता जा रहा है बाय 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये लोग कहने की कोशिश करें 10 डिग्री है 12 बजे दोपहर को, 12 o'clock को कितना है 10 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे 1 1 आवर में, जैसे कि 1 बजे 2 बजे 3 बजे, ऐसे ऐसे अगर हम -2 डालते गए, मतलब डिक्रीज होता जा रहा है और 2 डिग्री सेल्सियस कम कम होता जा रहा है, तो आप लोगों को कैसे उसको सॉल्व, मतलब देखना है कि कितने आवर्स तक। तो एक मिनट मैं आप लोगों को पूरा सम सॉल्व करके बताता हूँ, आगे रीड करता हूँ, रुको। सो इट वुड, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, अभी आप लोगों को मिडनाइट तक उस टेम्परेचर को मेजर करना है। तो मैंने जैसे कि कहा कि टेम्परेचर एट 12 noon, टेम्परेचर एट 12 noon कितना है, ऑब्वियसली 10 डिग्री सेल्सियस। ओके अभी इसके बाद यही सब लिखना है आपको, टेम्परेचर एट 1 1 pm कितना होगा 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस कितना होगा 8 डिग्री सेल्सियस। ओके 10 - 2 8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 2 बजे 8 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस विच इज 6 डिग्री सेल्सियस। फिर एट 3 pm 6 डिग्री सेल्सियस माइनस
टू डिग्री सेल्सियस विच इज़ 4 डिग्री सेल्सियस। ऐसे आपको लिखते जाना है, जैसे कि एट 4 1 आवर में इसका टेम्परेचर 2-2 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस ये कितना होगा स्टूडेंट्स, 2 डिग्री सेल्सियस। फिर 5 o'clock, अभी ऐसे करते करते मैंने तो मतलब बहुत सारा लिखा है मैंने, मिडनाइट ना मतलब 12 बजे रात तक, तो आपको करते जाना है। जैसे कि एट, देखो मैं इधर लिखता हूँ, एट 5 PM, एट 6 PM, एट तो पूरा लिखना है टेम्परेचर, एट 7 PM, एट 8 PM, ऐसे करते करते लिखते लिखते आपको वैसे सॉल्व करते जाना है। एट 12 कितना, 12 o'clock मिडनाइट ना, 12 PM तक, ठीक है इतना तक आपको लिखना है। ऑल राइट, इतना पूरा लिखने के बाद आप लोग इसको माइनस करना है, रुको मैं बताता हूँ कैसे। 2 डिग्री सेल्सियस है, 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस इज 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो अब 0 पे आ गया। अभी जो रात तक पहुँचेगा तो बर्फ़ में तब्दील हो जाएगा, बहुत ही ठंडी, बहुत ही विंटर टाइप ऑफ वेदर होगा। देखो 6 PM में अभी क्या हो रहा है, 0 डिग्री चल रहा है, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। अब देखो 0 माइनस 2 कितना होता है, 2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन नेगेटिव साइन आएगा, अभी नेगेटिव में हो रहा है। अभी नेगेटिव 2 डिग्री सेल्सियस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, माइनस है माइनस, प्लस 2 प्लस 2 4, 4 डिग्री सेल्सियस, और साइन डालो नेगेटिव का, ठीक है ऐसे। अभी वापस देखो नेगेटिव 4 डिग्री सेल्सियस और ये देखो ऐसे, तो कितना हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस, 4, 5, 6, माइनस है माइनस प्लस है 6, और साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर 4 है, तो ये डालो। ऐसे करते करते आपको इस टाइम पे आना है और वहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो बस इतना ही है। ओके, आप 12 नून से लेके मिडनाइट 12 तक सारी चीज़ें कैलकुलेट करोगे, ओके, और उसको माइनस 2 डिग्री सेल्सियस के साथ कैलकुलेट करते जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ऑल राइट, ये हो गया। अभी हम आपको चाहिए तो आप पॉज करके देख सकते हो, बाकी तो कुछ इतना ये नहीं था इसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में। अब चाहिए तो देख लो, इसके हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इन अ क्लास टेस्ट प्लस 3, ओके, इन अ क्लास टेस्ट प्लस 3 मार्क्स वर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव 2 मार्क्स वर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। यानी कि ऐसा एक क्लास टेस्ट था जिसमें एक क्वेश्चन को अगर हम सही तरह से अटेम्प्ट करें, वो आंसर सही रहेगा, तो उसको पॉजिटिव 3 मार्क्स दिया जाएगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, और अगर वही क्वेश्चन अगर कोई गलत करे तो उसे नेगेटिव 2 मार्क्स दिया जाता था। सो नो मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग, अगर कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा वो तो सीधा उसको 0 मिलेगा, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इसमें दो सिचुएशन दिए कि एक राधिका करके एक पर्सन है, शी स्कोर 20 मार्क्स, इफ़ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर्स हाउ मेनी शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। और दूसरा है मोहिनी स्कोर 5 मार्क्स इन दिस टेस्ट, ओके, मोहिनी ने 5 मार्क्स स्कोर किए थे, दो शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, उनको नेगेटिव 5 मार्क्स मिले हैं इन द टेस्ट एंड शी हैड करेक्ट हैड गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, तो हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट सिचुएशन जो राधिका वाला है वो हम देखेंगे। लेट, तो जो हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने उसने अटेम्प्ट किए राधिका ने वो हमें देखना है, तो हमें नहीं पता, तो हम लेट एक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक्स बी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखेंगे या इनकरेक्ट क्वेश्चंस, इनकरेक्ट क्वेश्चंस बेटर है। वेट अ सेकेंड, मैं ज़रा मार्कर पेन बदलता हूँ। सो एज आई सेड, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाय राधिका, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो उसने करेक्ट आंसर्स के लिए, क्योंकि टोटल देखो 12 क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट किया, 12 को ये थे,
ओके, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, देर वेर शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर्स। ओके, करेक्ट आंसर्स के लिए हमें हमने देखा था कि पॉजिटिव 3 लिखते, तो पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाई बाई 12, ओके, और प्लस इनकरेक्ट के लिए उसने कितने अभी पता नहीं उसने कितने अटेम्प्ट किए थे, उसने 12 करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जहाँ पर उसको 3 मार्क्स एक एक क्वेश्चन का मिल रहा है, लेकिन ये कितना मार्क्स मिला वो नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, बेस्ट आइडिया, ठीक है, मैं लिख ही देता हूँ एक्स और नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई बाई नेगेटिव 2, क्योंकि उसने जितना अटेम्प्ट किया उसमें से एक एक क्वेश्चन में नेगेटिव 2 मार्क्स मिलते हैं, और टोटल मिला कि उसको कितना मिलता है 20 मार्क्स। ओके, 12 3 से कितना होता है 36 प्लस 2x, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस 36 2x सिक्सटीन डिवाइडेड बाई 2 8। ओके, तो आपको कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है। सो वी गेट टू नो कि राधिका ने 8 इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जहाँ पर उसमें नेगेटिव 2 मार्क्स मिल रहा है। ओके, यहाँ पर वो 12 करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती है, यहाँ पर 8 इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती है। तो जब 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती है तो उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, 36 मार्क्स मिलते हैं, और वही जब वो ये अभी देखो 8 2 24 तो माइनस 24 ऐसा उसको मार्क्स मिल जाता है, मतलब फॉर अटेम्प्टिंग 8 क्वेश्चंस। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 8 1 8 2 16 तो माइनस 16 मार्क्स। अगर आप 36 और माइनस 16 करोगे तो टोटल मार्क्स कितना आ रहा है, 20 मार्क्स। तो ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए मैंने आप लोगों को बताया, बाकी आप देख लो जैसा लग रहा है, और ये देख लो, उसके बाद में ये रब आउट करता हूँ, रुको ये रब आउट ही कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें से मोहिनी स्कोर्स नेगेटिव 5 मार्क्स इन द टेस्ट, दो शी गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। अभी इसमें भी देखना है कि उसने कितने, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि उसको तकरीबन नेगेटिव 5 मार्क्स मिलता है, वेट अ सेकंड, पेज टर्न हो गया, नेगेटिव 5 मार्क्स मिलता है टेस्ट में, उसने 7 करेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए थे। ओके, अभी हमें पता करना है कि उसने कितने इनकरेक्ट, इसकी तरह हमें इसमें भी फाइंड आउट करना है मोहिनी कितना इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट करते। तो सेम लिखते हैं, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्टेड बाय मोहिनी, ठीक है, ये हो गया। अभी इसमें भी देखा जाए तो पॉजिटिव 3 मार्क्स दिया जा रहा है और उसने तो टोटल 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, प्लस सेम वे में हमें अभी देखना है कि उसने कितना अटेम्प्ट किया जस्ट लाइक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और उसको टोटल मिला के कितना मिल रहा है, नेगेटिव 5 मार्क्स। इधर 20 मिल रहा था, इधर नेगेटिव 5। अब आप फंडा समझो, 7 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए थे जो करेक्ट थे, एक क्वेश्चन कितना मार्क्स मिल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव 3 मार्क्स, प्लस उसने कितना अटेम्प्ट किया मुझे नहीं पता, तो मैं एक्स लिख रहा हूँ और नेगेटिव 2 मार्क्स इनकरेक्ट क्वेश्चंस के लिए। तो अभी देखो, 7 3 21 प्लस 2x, नेगेटिव साइन डालो, माइनस साइन, अभी देखो प्लस है माइनस माइनस, अभी ये नेगेटिव 2x तो रहने दो, इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव 21। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता करना है। अभी देखो इधर भी ऐसा हो रहा है, 13 into 2, 13 into 26, यानी कि नेगेटिव 26। ओके, और यहाँ कितना मिल रहा है उसको, 21 मार्क्स। तो जब आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिल रहा है, 5, मतलब नेगेटिव साइन किसका है, इधर है। तो ये देखो, इसका मैंने रफली आप लोगों को समझाने की कोशिश की, दोनों सम्स सिमिलर है। देखो यहाँ पर उसने तकरीबन 12 करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे,
इसने 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, करेक्ट क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर्स मिले इसको, और टोटल मार्क्स कितना मिल रहा है इसको राधिका को 20 और इसको -5 मिल रहा है मोहिनी को। तो सिंपल है, आप लोग एक बार पॉज करके देख लो, यही तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू द माइंड शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 meters per minute इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 meters अबाउट द ग्राउंड लेवल हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच 350 meters। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस देखते हैं, द एलिवेटर डिसेंड, डिसेंड्स का मतलब नीचे की तरफ जाना, नीचे जब कोई भी चीज़ जाती है तो वो नेगेटिव में चला जाता है, हायर में चला जाता है तो पॉजिटिव रहता है। सो ये 6 meters per minute, सो ये एक हुआ और हम आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा है कि इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 meters, ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहा तो -10 हो जाएगा, ये बात याद रखना, और -350। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है, हम लोग को ये पता करना है कि जब 10 meters -10 meters से ज़मीन से एकदम नीचे चला जाता है तो कितने मिनट में पहुंच जाएगा, कितने आवर्स में पहुंच जाएगा, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, लेट एक्स मिनट हम कंसिडर करेंगे, लेट एक्स मिनट बी द टाइम टेकन टू रीच 350 meters। ठीक है, अभी मैं एक्स बाहर ही लिख रहा हूँ, और जो हमें मिला था -10 जो सेकेंड सेंटेंस में, उसको प्लस -350 meters, ओके, डिवाइड बाय क्या करेंगे हम 6 के साथ करेंगे। अब देखो जो सेकेंड सेंटेंस में था, क्योंकि वो डिसेंड हो रहा है ग्राउंड लेवल से, मतलब नीचे जा रहा है, ग्राउंड से भी नीचे जा रहा है, तो नेगेटिव में होगा 350 meters। तो ये दोनों को क्या करना है आप लोगों को, -10 प्लस -350 डिवाइडेड बाय 6। अभी ऑब्वियसली ये तो देखो प्लस एंड माइनस, माइनस माइनस एंड माइनस प्लस, अभी 360 हो रहा है, राइट, 360 डिवाइडेड बाय 6, अब ये कितना होता है 60, यानी कि 60 minutes, ओके। तो वो जो 10 meters से सीधा ग्राउंड लेवल पे 350 meters तक पहुंचने के लिए, -10 से -350 meters तक पहुंचने के लिए कितना लग रहा है, 60 minutes। अगर हम इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 1 hour, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को समझना है, तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हो, 60 मिनट या तो 1 hour, द आंसर रिमेन्स द सेम, ओके। सो दैट्स इट, आप चाहे तो पॉज करके देख सकते हो। फिलहाल के लिए तो मैंने एक्सरसाइज 1.4 कवर अप करने की कोशिश की इस वीडियो में। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इम्पॉर्टेंटली शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स को, देखना है तो वो लोग देखेंगे, नहीं देखना है तो उनके ऊपर है, मगर प्लीज़ आप एक जिम्मेदारी ले लीजिएगा, अब तक आप यहाँ पहुँचे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो। और मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे कि सर मुझे ये सब समझ में नहीं आया, आप लोग वीडियो को पीछे लेकर के भी देख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। और रही बात, ये देखो मैंने सिंपल इसका मेथड रखा, देखो एक्स मिनट जो है मैं बस बता रहा हूँ, सेकेंड सेंटेंस में जो था मैंने उसको ऊपर लिया है प्लस के साथ, डिवाइडेड बाय 6, जो 6 ये था हमारा इधर जो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा था कि 6 meters per minute, तो ये मैंने डिनोमिनेटर में लेके उसको सिंपली सॉल्व किया, ओके। इसका बहुत लंबा भी मेथड होता है जो मुझे नहीं बताना है, क्योंकि अगर मैं वो स्टेप बताऊंगा तो आप लोगों के सिर के ऊपर से जाएगा। आई नो ये भी गया है, लेकिन आप लोग प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो, बार बार समझ सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।